हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनयराज कश्यप और आप देख रहे हैं हैंकर राइडर चैनल। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि चार धाम यात्रा के कपाट की जो भी अपडेट हमारे पास आएगी तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। तो अब फाइनल अपडेट हमारे पास आ चुकी है, तो उस अपडेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैं गंगोत्री धाम पर हूँ और गंगोत्री धाम पर ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये गंगा जी का मंदिर है, गंगोत्री है। और चलिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से कपाट कौन से दिन खुल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगोत्री जी की। गंगोत्री मंदिर के कपाट 14 मई को खुलने वाले हैं, तो आप लोगों को मुझे बताना था। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं यमुनोत्री की। यमुनोत्री भी 14 मई को ही खुलने वाला है। और इसके बाद बताते हैं हम आप लोगों को केदारनाथ। केदारनाथ 15 मई को खुलने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो उसके बाद हम लोगों का एक राइड आएगी और केदारनाथ की सीरीज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो याद से उस सीरीज को भी आप ज़रूर देखना। और बद्रीनाथ के कपाट के डेट हम लोगों के पास तक आई नहीं थी, तो बद्रीनाथ के कपाट की डेट हम लोगों के पास अब डेट आ चुकी है। ये 18 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। तो चारों धाम की कपाट की डेट मैंने आप लोगों को बता दी है और बाकी आप ये स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। जो डिटेल आ रही है इसमें मैंने आपको दे दिया है। अगर किसी भाई को सुनने में या उसमें दिक्कत हुई है तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इस डिटेल का। तो भाई लोगों, आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो नए लोग आए हैं उनसे तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले केदारनाथ के ब्लॉग को भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्द कपाट खुलने के बाद केदारनाथ की सीरीज भी आने वाली है।